मौसम में मैं एक आगे हूँ नया चैलेंज या फूड टेस्टिंग वीडियो लेके, और मेरे साथ मेरी बेटी अनंतिया है। और इस बार टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं, KFC वर्सेस हल्दीराम, यानी कि एक फास्ट फूड मील थाली कैसी होती है और हमारी देसी थाली कैसी होती है, ये आज मैं दिखाऊंगी। बट फास्ट फूड के लिए तो मैं अनंतिया को अपने साथ ले आई हूँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाल। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ KFC खाने के लिए, मैंने बहुत दिनों से। और वैसे अनंतिया की छुट्टियाँ का पूरा यूज कर रहे हैं, अनंतिया को बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है और आपके लिए बढ़िया बढ़िया चैलेंजेस आ रहे हैं। हल्दीराम कौन खाएगा वो तो बाद में पता चलेगा। राउंड वन। तो बेसिकली KFC ने एक नई मील ऑर्डर की थी, उसका नाम है लंच मील, जिसमें वो 200 रुपीज में आप बिरयानी, रोल और एक बर्गर ले सकते हो, दो पेरी पेरी स्ट्रिप्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो हमने बर्गर के ऑप्ट किया है, और एक नया इनके पास नो शेल ओनली चिकन टाको आया, तो हम वो ट्राई करने वाले हैं, और उसका हमारा टोटल है 117। तो इसमें मिला है इसको बर्गर, कोई भी चीज नहीं है, ये टैकोस है, और ये दो चिकन विंग्स। I love tacos, इसमें लेटस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि लेटस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। There is no base, इसके चिकन तो बहुत जूसी होता ही है, KFC फेमस है चिकन के लिए। KFC का फिर फॉर्म बताओ, केंटकी फ्राइड चिकन, और काफी स्पाइसी भी है, घर का खाना तो अंदर को स्पाइसी लगता है, बट ये नहीं लग रहा। ये जो ऑरेंज तंदूरी डिप है ना, Oh my God, बहुत अच्छी है। हम इन लोगों को आई थिंक एक बॉटल लेके चल लेनी चाहिए। और इसके साथ 7-Up भी मिली है, तो मुझे मिर्ची लग रही है इसलिए। मम्मा पीती है नहीं, और उनका लिपस्टिक हट जाके लग जाती है। ये है पेरी पेरी चिकन स्ट्रिप्स, अभी आपको मिलेगा, चिंता नहीं करो। KFC का चिकन काफी जूसी होता है, काफी सॉफ्ट सा होता है और रेशे वाला होता है, बट मेरे को आज इस पे स्पाइस थोड़ी ज्यादा लग रही है। ये पेरी पेरी है ना। ओके, अब है हमारी टाको की टर्न। टाको में तंदूरी है, बहुत सारे सॉसेस हैं, और लेटस है और अनियंस है, एंड आई लव दैट थिंग अबाउट KFC, क्योंकि वो ज्यादा वेजीज नहीं करते इंक्लूड, और लेटस और अनियन के अलावा ये लाइक लिटरली मेरी फेवरेट चीज है। और मैं जो देख रही हूँ ना, इसमें टाको भी जो है वो मैदा या कोई उसका नहीं है, ये चिकन से ही टाको बना हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, लाइक ये बनाया हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम ये मील ट्राई करूंगी, बट काफी खाने के बाद मेरा पेट तो भर गया है। मील के साथ जो हमने अलग से टाको लिया है, तो अगर चिकन लवर हो तो आप इसको ले सकते हो, नहीं तो हम बिरयानी के साथ भी इसे ट्राई करते तो हमें वैरायटी मिल जाती। अगर घर पे रोटी रहती या देसी खाना खिलाती तो अनंतिया की भूख भाग जाती, और यहाँ पे देखो कैसे खोल खोल के खा रही है। बस दो दिन इतनी साफ थाली अगर मैं घर पे देखती तो मैं बहुत खुश होती। और अब हम चलते हैं अनंतिया छोड़ के, अनंतिया को लेके, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। राउंड टू। तो अनंतिया को तो हमने मील खिला दी है, अब हम चलते हैं देसी मील खाने या थाली खाने, जो कि है हल्दीराम की थाली, और देखते हैं कि यहाँ थाली में क्या मिलता है और बच्चा को क्या पसंद आता है। और बच्चा बिहाइंड द सीन क्या टॉपिक पे डिस्कस हो रहा था? वेरी हॉट टॉपिक, सास और दामाद। सास और बहू तो सुना है? आज दामाद एक्सप्लेन करो। इट वाज हु टप 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 बिल्कुल टप। तो यहाँ पे हमने थाली ली है, जो कि कॉस्ट करी है 385 रुपीज।
चिकन की थाली में क्या है, क्योंकि यहाँ तो मेंशन नहीं है, मेन्यू में मेंशन होगा। रसमलाई आ गई है भैया, टूटी क्यों नहीं है पूरी? तो दिखाना, ऐसे लग रहा है ऐसे खाना होगा। ये हमारे को तो पूरा स्लाइस पीस ही नहीं आया, छोटा पीस कर दिया। लोग खाने के बाद मीठा खाते हैं, आप लोग पहले मीठा खा रहे हो। तो यहाँ पे हमें अपनी थाली मिल गई है, और रिचा तो रसमलाई के बाद आई नहीं थी थाली पे। दिस टाइम रिचा विल एक्सप्लेन कि थाली में हमें क्या क्या मिला। ठीक है, एक है दाल मखनी, पनीर मटर, मिक्स वेज लग रहा है, मिक्स वेज है ये है शाही पनीर, चावल, रायता, अचार, पापड़, सैलेड, एक लच्छा पराठा और एक नान और गुलाब जामुन। तो यहाँ पे अगर आपको नॉन वेज थाली खानी है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये वेज थाली के लिए स्पेशलाइज्ड है, तो आप वेज खाते हैं तो ही यहाँ आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ले रही हूँ दाल मखनी के साथ, क्योंकि दाल मखनी मेरी फेवरेट है। और मैं यहाँ ले रही हूँ पनीर के साथ। तो मैं अब नान से खाऊंगी दाल मखनी, मक्खन को मेल्ट कर दिया मैंने, अच्छा है दाल मखनी भी, और नमक भी कम है, और एकदम बढ़िया टेस्ट कर रही है। प्रॉपर बनी होती है तभी अच्छी लगती है। क्योंकि आई थिंक सीजन की मटर नहीं है, इसीलिए मिक्स वेज मुझे थोड़ी ठीक लग रही है, और जैसे कहते हैं ना होटल की सारी ग्रेवी सेम ही होती है, तो कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। हमें शाही पनीर टेस्ट जो मैंने की थी वो तो टेस्ट तो अच्छा था, टेस्ट वाइज तो हल्दीराम अच्छा होता है। देखो आंटी, क्या हुआ बबली, खुल के बता क्या हुआ। बर्फी ऑर्डर किया था, इतने में बिलिंग करवाने के लिए गई, दूसरे कस्टमर्स आए और उन्हें लगा ये टेस्ट के लिए रखी हुई है, और उन्होंने उठा के खा गए। और इसमें दिया है ये रायता, वेज रायता है, प्याज का रायता है। यार इसमें रायते में बूंदी तो है, मेरी रेसिपी भी आप रायते की देख सकती हो, मैंने भी अमेजिंग रायते बनाए हैं। थाली लेने का यही फायदा है कि अगर आप दाल पसंद करते हो या रोटी पसंद करते हो, आपको एक साथ दोनों मिल जाती हैं, और आपको तीन वैरायटी ऑफ सब्जी मिल रही है, तो अगर आपको कुछ नहीं पसंद है या गीली सब्जी खानी है तो वो भी आपको इस थाली में मिल जाएगी, और मीठा भी मिलता है। क्योंकि दो लोग इस थाली को खा रहे हैं तो गुलाब जामुन को हम करेंगे डिवाइड। अच्छा था, पिस्ता था, ड्राई फ्रूट था उसके अंदर, थाली कंप्लीट हुई मीठे के साथ। ऐसे हालात में बेहतर यही है अपने कदम पीछे हटा लें। So, हमारी मील तो खत्म हो गई है, सेकंडली बेस्ट पार्ट इज दे यूज बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल प्लेट्स, पहले प्लास्टिक की यूज होती थी थाली मिलती थी, बट अब इनका जो भी सामान है वो बायोडिग्रेडेबल है, एंड ये स्पून भी जो यूज करते हैं वो वुड की करते हैं, विच इज वेरी नाइस। बबली की मिठाई एक अंकल खा गए, और बबली सारी दुनिया में पूछ रही है मेरा लड्डू कहाँ है, मेरा लड्डू कहाँ है, और वो कह रहे हम खा गए, कह रहे हम मिल के खा गए। बड़ा मस्त था, है ना। और निशा भाभी ये भी पूछ रही इतनी जल्दी खा भी गए, और वो अंकल कहते सॉरी मैंने खा लिया गलती से, मैंने कहा बड़ी जल्दी खा गए आप, तो नहीं हमने मिलके खाए हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी जोड़ी अच्छी लगे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।